Everyone, this is Akhil Roy and welcome to the PhD Parsala once again. मैं आपको पढ़ा रहा था इंग्लिश और हम लोग काम कर रहे थे वोकैबुलरी सेक्शन पे एंड पिछले दो वीडियोस में मैंने इसी बारे में बात की है और इस बार भी मैं वोकैबुलरी पे ही कुछ बात करूंगा. सो विदाउट गेटिंग लेट, जैसे मैंने कहा था कि हर रोज जो भी हमारी वीडियोस आएगी तो शुरुआत की कुछ वीडियो जो ऐसी होंगी उसमें हम वोकैबुलरी सेक्शंस के बारे में बात करेंगे एंड वोकैबुलरी इज वोकैबुलरी टू एंड दीज आर द फाइव वर्ड्स विच वी हैव टू लर्न. सो बिना किसी देरी किए हम इसे शुरू कर देते हैं, ठीक है. सो द फर्स्ट वर्ड इज अमेच्योर. अमेच्योर इज क्या है कि अमेच्योर मीन्स नौशिखिया. जैसे हिंदी में आप कहते हैं एक ऐसा आदमी जिसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है. नया नया किसी भी प्रोफेशन में जब कोई आदमी नया नया आता है तो वो अमेच्योर कहलाता है. यदि वो मच्योर नहीं है, हम कहते हैं ना कि मच्योर जिसे समझ होती है और अमेच्योर वो होती है जिन्हें थोड़ी कम समझ होती है. तो चलिए हम पहले इसी पे बात कर लेते हैं. अमेच्योर 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 का मतलब होता है नौशिखिया. नया नया जो सीख के आया है वही है नौशिखिया. इसका साइनो हम पढ़ लेते हैं. इसके अच्छे अच्छे मीनिंग्स हैं साइनों में. जैसे पहला तो बिगिनर ही हो गया. गवर्नमेंट एग्जाम्स की जब आती है तो रेलवे की जो वैकेंसी होती है उसमें अप्रेंटिस का फॉर्म आता है. अप्रेंटिस. इसके अलावा एक और मीनिंग होती है नोवाइश. एक और मीनिंग है नियोफाइट. इन एक्सपर्ट. इन एक्सपीरियंस. और मैला ड्राइव. So these are the meanings, these are the words जिसके भी सेम मीनिंग होती है नौशिखिया. यानी अमेच्योर कहो या फिर ये सारे वर्ड्स का सेम रिलेशन है, ये सिमिलर है. तो अमेच्योर याद करें और इनको भी याद करें. इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है मैलाड्राइट कई बार पूछा जा चुका है, नोवाइस कई बार पूछा जा चुका है, नियोफाइट अनएक्सपर्ट इनएक्सपीरियंस्ड. अप्रेंटिस भी आपने कभी कभार सुना ही है पर इसको भी बहुत ध्यान में रखना है. इनएक्सपीरियंस इनएक्सपर्ट और बिगिनर, ये जो तीन वर्ड्स हैं ये आमतौर पे कॉमन है और इन्हें हम यूज कर लेते हैं और आमतौर पे आपने कभी सुना भी होगा. पर ये जो वर्ड है ये नए हैं और इन्हीं पे हमें अपने कमांड रखने हैं. इसके एंटू देख लेते हैं. सो द एंटू इज पहले इनएक्सपर्ट है तो एक्सपर्ट हो जाएगा. उल्टा यही होगा. तो एक्सपीरियंस्ड है एक वर्ड है कॉम्पिटेंट. कॉम्पिटेंट भी होगा. आई मीन श्योर कॉम्पिटेंट वो लोग होते हैं, ठीक है, जो जिन्हें समझ होती है. तो यहां अगर एक कॉम्पिटेंट यहां है तो यहां इनकॉम्पिटेंट भी होगा. इनकॉम्पिटेंट. एक और है यहां एड्रॉइट. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे आप. एक है एडैप्ट. प्रोफिशिएंट. डेक्स्ट्रुअस. और लास्ट स्किलफुल. So, आप देखें यहां अमेच्योर से कई सारे वर्ड्स हमने सीख लिए हैं. अमेच्योर जो सिमिलर वर्ड्स हैं, दीज आर द सिमिलर वर्ड्स एंड दीज आर दोज वर्ड्स विच कैन बी कॉल्ड एज द ऑपोजिट्स. सो अमेच्योर देकर के या फिर नियोफाइट देकर के मे भी हो सकता है कि कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द सिमिलर मीनिंग ऑफ मैलाड्राइट. तो मैलाड्राइट देकर के इसमें से कोई भी एक एग्जाम्पल दिया होगा. तो इस तरह से हम अगर इन वर्ड्स को हम याद रखेंगे तो वी फाइनली कैन गेट द बेस्ट आंसर एंड वी वुड बी हेल्पफुल टू फाइंड आउट व्हाट इज द करेक्ट आंसर. सो दिस इज इट
इट इज अबाउट द अमेच्योर. मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि मैं फर्स्ट वाले वीडियो में ही ये बता चुका हूँ आपसे कि वर्ड्स याद करने उतने इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना कि उनके करेक्ट यूजेस को जानना. और ये करेक्ट यूजेस तभी होंगी जब आप इनको यूज करेंगे अपने सेंटेंसेस में. आप अपने आमतौर पर बोलचाल की भाषा में जो भी आप यूज करते हैं तो आप इसमें अमेच्योर यूज कर सकते हैं. बहुत सारे आपके लोकेलिटी में ऐसे बंदे मिल जाएंगे, भाई मिल जाएंगे जो ऐसे होंगे. तो आप किसी से हिंदी में ऐसे बात करते हैं कि नौशिकिया, तो उसके जगह पे आप अमेच्योर यूज करना शुरू करें तो इससे आप आपकी एक एक बोलने की जो शैली है वो भी थोड़ी सी चेंज होगी और एक आपको एक वर्ड हमेशा के लिए याद हो जाएगा. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज द यूजेस ऑफ द वर्ड्स, इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. अगला है एबोमिनेशन. What is abominations? Abomination is a strong emotion. ये कैसा emotion है? ये negative emotions है. आमतौर पे एक context में बताता हूँ, जब आप किसी को देखते हैं और आपको उससे नफरत की भावना होने लगती है, उसे देखा और उसे नफरत आने लगी. आमतौर पे इसे और हम आगे deeply define करने की कोशिश करें तो हिंदी में एक word है घृणा. तो abomination का मतलब होता ही है घृणा. तो अब आपको समझ में आ रही होगी कि एबोमिनेशन का मतलब क्या होता है. घृणा, इसके साइनो होंगे अनाथेमा. ये बहुत इंपॉर्टेंट है अनाथेमा. और एक और बहुत ही प्यारा सा है लोथ. और दो ऐसे इसके भी साइन होते हैं जैसे डिसलाइक हो गया और एक हैट्रेड. तो ये कॉमन है, ये आमतौर पे यूज होते हैं हमेशा और आपको इसको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि आपने जन जन्मांतर से इसे सुना ही होगा. पर अनाथमा और लोथ शायद आपने नहीं सुना है तो इसे आप याद कर लेंगे. इसका एंटू की बात करते हैं हम. तो एंटू में लाइकिंग्स, ठीक है, और उसके बाद फॉन्डनेस. सो दिस इज द एंटो. बस आपसे ये देकर के कई बार एग्जाम्स में एनाथेमा देकर के लोथ पूछा है या फिर एबोमिनेशन देकर के, आमतौर पे इसे आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है. ये एबोमिनेशंस देकर के आपके सिमिलर्स पूछा गया था एमटीएस के एग्जामिनेशंस में और सीएचएसएल के भी. तो ये इंपॉर्टेंट है वर्ड्स एनाथेमा और लोथ. एनाथेमा और लोथ से आपको एक टास्क दिया जाता है कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और सीरियसली वॉच कर रहे हैं और चीजों को सीखने की कोशिश कर रहे हैं अगर वाकई, तो आपका एक टास्क मैं आज दे देता हूं, एनाथेमा एनाथेमा या फिर लोथ, आप अपने हिसाब से जिसको ज्यादा अप्रोप्रिएट मानते हैं अपने सोच और समझ के अनुसार उसे आप एक सेंटेंस बनाएं और कॉमेंट सेक्शन में लिखें. राइट, सो दिस इज एबोमिनेशंस. और एबोमिनेशंस आई होप आपको समझ में आ गई होंगी. एबोमिनेशंस होता क्या है, इसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और स्ट्रॉन्ग इमोशन ऑफ हैट्रेड, दैट इज कॉल्ड एबोमिनेशंस. नाउ इससे एक सेंटेंस बना लेता हूं, ठीक है. इसका सेंटेंस क्या होगा, इसका सेंटेंस मैं ऐसे बनाता हूं कि इट इज नॉट इसेंशियल टू एबोमिनेट your beloved to forget her. The only you can do is just accept
accepted that you are no longer with her. मैं कह रहा हूं कि कोई जरूरी नहीं है कि किसी को भूलने के लिए आपको उससे नफरत करने की जरूरत है. सिर्फ आप एक चीज करना चाहिए आपको और ये आप चीज कर सकते हैं. आपको बस ये समझ लेना है, आपको ये समझ लेना और आपको एक एक्सेप्ट कर लेना है कि अब हम साथ नहीं रह सकते, तो चीजें सारे के सारे क्लियर हो जाएगी. बस ये एक तरीका था एकोमोडेट का करेक्ट यूज करने के लिए. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. अगर आपको समझ में भी आ रहा होगा तो प्लीज इसे सेंटेंसेस में यूज करें और कमेंट सेक्शन में जरूर दें. द नेक्स्ट वर्ड इज सजेसियस. सजेसियस जो शार्प माइंडेड जो लोग होते हैं उन्हें हम सजेसियस कहते हैं. आमतौर पर इन्हें हिंदी में बुद्धिमान कहते हैं. ठीक है, इसका साइनो जो इसे सिमिलर है एक नया सा एक बहुत प्यारा सा वर्ड है ज्यूडिशियस. एक वर्ड है प्रूडेंट और एक वर्ड है वाइज जो आमतौर पे जग जाहिर है. वाइज आपने सुना होगा, प्रूडेंट शायद आपने सुना होगा और सुना भी होगा शायद. हाँ, ज्यूडिशियस और प्रूडेंट ये क्वेश्चन आते रहते हैं. वाइज कभी नहीं पूछा जाएगा आपसे. सो ज्यूडिशियस, प्रूडेंट और सजेसियस. इसका एंटो देख लेता हूं. एंटो क्या होगा? बुद्धिमान है. बुद्धिमान का उल्टा क्या हो जाएगा? जो मूर्ख है, स्लो माइंडेड या फिर फूल. तो इंपॉर्टेंट यही है, ज्यूडिशियस, प्रूडेंट, राइट. इसके सेंटेंसेस कैसे होंगे? जैसे मैं ये ऐसे लिख सकता हूं ना, बीरबल वाज द मोस्ट सजेसियस इन नौरत्ना. अकबर बीरबल वाज द मोस्ट सजेसियस इन नौरत्ना ऑफ अकबर कोर्ट. या फिर इसको काट देते हैं, सजेसियस पर्शन कह देते हैं. ये सही, वॉज द मोस्ट सजेसियस पर्शन ऑफ अकबर कोर्ट. अकबर के दरबार के सबसे ज्यादा बुद्धिमान बीरबल थे. ये एक नॉर्मल सा सेंटेंस है, इसे ऐसे आप यूज कर सकते हैं. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट यू शुड बी अवेयर द करेक्ट यूजेज ऑफ द सेंटेंसेस. नेक्स्ट वन इज आज क्या हो रहा है, अफेक्टेशंस. अफेक्टेशंस क्या होती है? जब हम किसी चीज को दिखावा करते हैं, हम किसी चीज का दिखावा करते हैं, तो उसे इंग्लिश में हम अफेक्टेशंस कहते हैं. जैसे हम कहते हैं ना कि हम शो ऑफ कर रहे हैं, कि क्यों शो ऑफ कर रहे हैं, ये शो ऑफ ही है और शो ऑफ को अफेक्टेशंस कहते हैं, दिखावा करना. इसका इसके बड़े प्यारे प्यारे वर्ड हैं, जैसे एक है ऑस्टेंटेशन. ठीक है, हाइपोक्राइसी, पाखंडता जिसे हम कहते हैं, हाइपोक्राइट से बना है हाइपोक्राइसी एग्जैक्टली भाई. फिर उसके बाद फ्लॉन्ट है,
एक है प्रीटेंस है और शो ऑफ भी तो है, शो ऑफ है बस, फ्लॉन्ट। तो आपको याद करना है ये ऑस्टेंटेशन, फ्लॉन्ट, प्रीटेंस, मतलब दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स दैट यू हैव टू गेट बाय हार्ट इन दैट सेक्शन। आई एम टॉकिंग अबाउट द सेक्शंस, राइट? सो दीज आर द न्यूली वर्ड्स एंड यू हैव टू प्रैक्टिस इट एज मच एज यू कैन, राइट? द नेक्स्ट वन इज इट्स एन टू बेसिकली, सो इट्स एन टू इज गोना बी वॉट, हाँ, ये दिखावा करना, और दिखावा करने का उल्टा क्या होता है, मतलब ये दिखावा करना है, ये रियल नहीं है, इट्स ए इमेजिनरी थिंग, और इमेजिनरी थिंग्स यानी अफेक्टेशंस, मतलब इसमें कोई हकीकत नहीं है। दिखावा जब हम करते हैं तो वाकई जो हम चीज दिखाते हैं, जिस चीज की दिखावा करते हैं वो वाकई होती नहीं है, राइट? तो इट्स कैन बी रिलेटेड एज ए इमेजिनरी ऑब्जेक्ट, राइट? सो इसका उल्टा क्या हो सकता है, इसका उल्टा वो चीज हो सकता है जो सच हो। सो द फर्स्ट वर्ड इज ट्रूथ, सच सच ही होता है, रियालिटी। और एक और नया वर्ड आया वेरासिटी, क्या वेरासिटी, जेन्युइन। जेन्युइन, ये जेन्युइन की स्पेलिंग थोड़ा एक दफा देख लीजिएगा आप लोग, जेन्युइन ये आमतौर पे जब हम दुकानों में जाते हैं कोई कपड़ा खरीदते हैं तो कहते हैं कि ऑथेंटिक प्राइस लगाइएगा, यानी सही सही हिसाब लगाइएगा, सच्चा, ऑथेंटिक, राइट? और एक बस, सो ट्रूथ, रियलिटी, वेरासिटी, ऑथेंटिक और जेन्युइन, दीज आर द वर्ड्स विच आर द ऑपोजिट्स इन मीन ऑफ अफेक्टेशंस। आई होप आपको समझ में आ रही है, ठीक है, और आप इन वर्ड्स को याद कर रहे होंगे। कोई दिक्कत होती होगी अगर आपको इन वर्ड्स को याद करने में, तो एनी प्रॉब्लम रिलेटिंग टू लर्निंग और इन चीजों को कैसे याद करें, या फिर और भी कोई स्टूडेंट से रिलेटेड, आपके स्टडी लाइफ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, यू कैन कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन विच इज गिवन बिलो इन योर इन बिलो द वीडियो दैट एक्चुअली इज प्लेइंग। तो आप वहां कर सकते हैं, जितना जितना कोशिश हो सकेगा मैं कर दूंगा, आपको आपके सवालों का जवाब दे सकता हूं मैं, और आई होप आपको अच्छा लगेगा। इसका एक सेंटेंस बना लेते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड on ground basis rather than to effectively, दिखावा करने से ज्यादा बेहतर ये होगा कि वो ग्राउंड बेसिस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करे, काम करे, राइट? आगे, आज मेरे एक दोस्त का बर्थडे था तो बस बहुत ही कंजूस था, कुछ खिलाया पिलाया भी नहीं उसने, तो उसकी सारी भड़ास मैं यहां निकाल रहा हूं, राइट? कुछ खिलाया पिला भी नहीं कम, तो चलो तो माइसर्स